हेलो दोस्तों, दिस इज ओवी एंड फिर एक बार आप सभी को दिल से स्वागत करता हूँ बाइक ऑप्टिमाइज में। तो चलिए नया कुछ जानते हैं, बाइक ऑप्टिमाइज के साथ बने रहते हैं। दोस्तों, इतने दिनों से हम बात कर रहे थे पेट्रोल इंजन के बारे में, अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक ई बाइक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इलेक्ट्रिक ई बाइक के बैटरी कैसे चलता है, इसका स्पेसिफिकेशन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात जो मैं बता देना चाहता हूँ, नॉर्मल पेट्रोल इंजन बाइक में ICL या AGM बैटरी यूज किया जाता है। इस बैटरी का पावर ई बाइक के बैटरी के मुकाबले बहुत ही कम होता है और ये सिर्फ इग्निशन ऑन करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट को यूज करने के लिए और बाइक के हेडलाइट को जलाए रखने के लिए यूज होता है। फिर नए नए ई बाइक में इसको क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बैटरी का पावर इतना कम है कि अगर आप इसे गाड़ी चलाने के लिए यूज करते हैं तो गाड़ी आपका सिर्फ एक घंटे तक ही चल पाएगा और इस बैटरी का लॉन्गजिविटी भी एक से डेढ़ महीने तक ही चल पाएगा। इसके बाद ये बैटरी खत्म हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप ई स्कूटी ले लीजिए या फिर रेवोल्ट का जो नया रिनोवेशन ई बाइक निकला है वो ले लीजिए। इन सभी में लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। ये बैटरी रिचार्जेबल होता है। बैटरी का लॉन्गजिविटी 12 महीने तक चलता है और आप इसको 1500 साइकिल तक रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब 1500 बार तक आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। चले आते हैं वोल्ट एंड वॉटेज पे। ई बाइक के कैपेसिटी के अनुसार इसका वोल्ट एंड वॉटेज सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लिथियम आयन बैटरी कितने वोल्ट एंड वॉटेज वेरिएंट में मिलता है। लिथियम ई बाइक बैटरी 9 वेरिएंट में मिलता है। पहले नंबर पे है 72 वोल्ट 70 एम्पीयर, सेकंड नंबर पे 72 वोल्ट 60 एम्पीयर, थर्ड नंबर पे 60 वोल्ट 20 एम्पीयर, फोर्थ नंबर पे 72 वोल्ट 80 एम्पीयर, फिफ्थ नंबर पे 84 वोल्ट 70 एम्पीयर, सिक्स्थ नंबर पे 72 वोल्ट 40 एम्पीयर, सेवेंथ नंबर पे 72 वोल्ट 50 एम्पीयर, एट नंबर पे 72 वोल्ट 20 एम्पीयर एंड आखिर में 9 नंबर पे है 72 वोल्ट 100 एम्पीयर। तो इतने सारे वेरिएंट में ये ई बाइक लिथियम बैटरी मिलता है और इसे ई बाइक में यूज किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो हमको जरूर बताना, क्योंकि अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए चलने का इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।